हाय एवरीवन, वेलकम टू द बावर्चीज़। आज हम बनाएंगे चना पुलाव, जो बहुत ही आसान है बनाना और एकदम डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च बारीक काटी हैं, थोड़े से काजू लिए हैं और ये उबले हुए चने हैं आधी कटोरी, और एक कटोरी चावल को मैंने भिगा करके रखा था आधे घंटे के लिए। तो आज हम सरबती राइस से चना पुलाव बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कुकर में एक बड़ा चम्मच घी का डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच जीरा डालूंगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। जीरा गोल्डन हो जाने के बाद प्याज को डाल लेंगे और इसको हमें एक मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसी के बाद हम इसमें काजू ऐड करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्याज बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, मैंने बारीक कट किया था, काजू ऐड कर दिए हैं। इसी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। और प्लीज़ मेरी वीडियो पर आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और जो हमने राइस भिगा करके रखे थे उनको धुल लेंगे अच्छे से और कुकर में ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चने, आधी कटोरी उबले हुए चने ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर, अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है और इसी के बाद हम इसमें डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने एक गिलास किया, इसी के बाद ये आधा गिलास, अच्छे से मिला लेंगे और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही एक सीटी आ जाएगी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कुकर में थोड़ा सा प्रेशर बन जाने देंगे, और जैसे ही सीटी आने को हो दूसरी, उसी से पहले हम कुकर को नीचे उतार लेंगे, और जब तक कुकर में से सारी गैस नहीं निकल जाती तब तक हम कुकर को नहीं खोलेंगे। तो जैसे ही कुकर का प्रेशर निकल जाए उसी के बाद हम खोलेंगे। तो ये देखिए दूसरी सीटी जैसे ही आने वाली हुई मैंने कुकर को नीचे उतार दिया और कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद भी मैंने इसको खोला है और मज़ेदार खुशबूदार हमारा चना पुलाव बन करके तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं रायता या फिर चटनी या फिर दही के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।